एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके ब्लॉग लकले भी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और डे है फ्रेंड्स सैटरडे और मैं कर ले रही हूँ अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो मैं करती ही रहती हूँ, बस यही है कि कभी ज़्यादा कर लेती हूँ कभी कम कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं इसको ना अपनी हैबिट में बिल्कुल लाना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को अपनी हैबिट आदत बना लेना चाहती हूँ, खाने पीने का हो या कोई भी चीज़ हो, जिससे कि मैं स्वस्थ रह सकूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम कितनी मेडिसिन खाएंगे, कितना खाएंगे मेडिसिन, अगर हम योगा से एक्सरसाइज से सही रह सकते हैं तो हम क्यों ना फिर ये सब चीज़ें करें जो कि फ्री है, केवल हमें टाइम देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप अगर पतले हो तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, है ना फ्रेंड्स। आप हेल्दी रहने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हो और अच्छा फील करने के लिए भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज के, तो योगा के तो फ्रेंड्स इतने सारे गुण हैं ना कि जिसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज हल्की फुल्की है उनसे मैंने शुरुआत कर दी है, और यही एक्सरसाइज फ्रेंड्स जो है ना मेन होती हैं, तो यही सब मैं कर लूँगी। इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा अच्छा फील हो जाता है एक्सरसाइज करने से, दिन हमारा ना बिल्कुल मस्त वाला हो जाता है, एनर्जी से भरपूर हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी डेली रूटीन के काम। तो इस तरीके से पहले मैं बैठ नहीं पाती थी गाइज, और अब देखिए मैं ना पूरा बैठ पाती हूँ अच्छी तरीके से, और पूरा ना घर में पोछा झाड़ू सब अपने हाथ से ही लगाती हूँ। पहले मेरे ना घुटने भी नहीं अच्छे से फोल्ड हो पाते थे। तो ये सब हुआ है फ्रेंड्स एक्सरसाइज करने से, 32-32 वाले फार्मूले से, जो कि ना फ्रेंड्स इतना यूज़ फार्मूला है। आप सब वीडियोस देखते ही रहते हो, तो फ्रेंड्स जब इतना यूजफुल है ना तभी तो सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। और बस फ्रेंड्स, फिर मैंने एक्सरसाइज कर ली थी, दूध में लेके आ गई थी, वो मैं गर्म करने रख दूंगी। उसके बाद रख ही दिया था, उसके बाद जो है ना खीरा मैंने काटे थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए, तो वही मैं अपने फेस पे लगा ले रही हूँ। और देखिए फ़ोन वगैरह हम लोग तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका तो यही है, डार्क सर्कल वगैरह तो सबके हो ही जा रहे हैं, तो मेरे भी हो गए हैं। तो वही है, होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर रही हूँ, तो देखिए कहाँ तक मैं सफलता पाती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा मैंने घर वगैरह सेट कर दिया था, झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया था। और थोड़ा सा पी लूँगी चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरा ना दिन होता है ना शाम होती है, तो थोड़ी सी मैं चाय पी लूँगी तसल्ली से बैठ के। न्यूज़ सब चल रहे थे। और वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकलेबी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स, और हमेशा खुशी रहेगा। तो फ्रेंड्स ब्लॉग कर दिया है मॉर्निंग से स्टार्ट, बस अब मैं इसके बाद नाश्ता बनाने जाऊंगी। नाश्ता क्या फ्रेंड्स, मेरा तो लंच हो जाएगा, क्योंकि हैवी है ना, तो अभी खा लेंगे तो फिर दोबारा तो भूख लगेगी नहीं, लंच अब तो शाम को ही भूख लगेगी। तो लंच में और लंच में बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमारा हल्का फुल्का हो जाता है, फ्रूट्स वगैरह हम खा लेते हैं तो उसी से हो जाता है। और फिर लवी ने कुछ खाया नहीं था, तो बोली मम्मा मेरे को लंच में आप आलू के पराठे ही बना देना। तो अभी हस्बैंड जी नहीं है, तो हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही ऐसा ही हो रहा है। ये मॉर्निंग के मेरे सारे काम हम सब हो गए हैं, झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब कुछ हो गई है जो मॉर्निंग के काम होते हैं। और गाइस बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाली अपनी नेट की साड़ी पहनी है, बहुत हल्की है, बहुत लाइट है, बट थोड़ा सा ना इसका जो ब्लाउज में अस्तर लगा है ना, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा मेरे को चुपता सा है, तो इस करके इसको ज्यादा गर्मियों में नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि जो अभी आगे जो मौसम आएगा ना वो थोड़ा सा वैसा होगा चिपचिपा वाला। और वैसे भी साड़ियां ना या तो अब पहन लो या फिर सितंबर अक्टूबर के आसपास पहनो, 2-3 महीने में तो साड़ी बिल्कुल भी पहनी नहीं जाती गाइस। मैं ना उधर देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ बात कर रही हूँ, लेकिन वहीं देखना चाहिए। 2-3 महीने में तो गाइस बिल्कुल साड़ी नहीं पहनी जाती है, तो अभी जितनी हो सकेगा मैं अभी इस महीने साड़ी डाल लूंगी जब तक यहाँ पे हूँ। उसके बाद तो फिर बेकार सी गर्मी आएंगी ना, तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं। साड़ी बहुत कंफर्टेबल है और अब थोड़ा सा वजन भी कम हो गया है ना, तो ये देखिए ब्लाउज वगैरह सब आने लगे हैं मेरे को, और यहाँ से भी ढीला है यहाँ से भी है। तो ब्लाउज तो मुझे लग रहा है जो मैंने अब के सिलवाए थे ना, जो अभी जो करवा चौथ से पहले मैंने ब्लाउज सिलवाए थे, वो मुझे सारे ही ढीले आएंगे। एक ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एक तो मैंने पहले से ही ब्लाउज बहुत ढीले सिलवाए थे और वो अब और ढीले हो जाएंगे। तो जैसे मैं उनको पहनूंगी वैसे वैसे मैं उनको टाइट करती रहूंगी, लेकिन जो पहले से टाइट थे ना वो अब मुझे आ गए हैं। तो ये ठीक है कि जो पहले से टाइट थे ना वो ब्लाउज मुझे आ गए हैं, तो शाम तक साड़ी में डाल के रखूंगी गाइस। और अभी भी मैं ना इसको वो करूंगी, पिन लगाऊंगी, काम किचन में जाऊंगी ना काम करने, तो पूरा पिन लगा लूंगी। इसकी थोड़ी सी ना लंबाई बहुत कम है साड़ी की ना, पूरा इसमें पल्लू आप ले लो पीछे तो आगे प्लेट्स कम बनती है, लेकिन साड़ी अच्छी है, साड़ी मुझे अच्छी लगती है पहनना, बस पहन ही नहीं पाती हूँ, बस यही है, कहीं जाना आना तो होता नहीं। पहले जॉब करते थे तो उस बहाने से साड़ियाँ निकल जाती थी, अब तो अपने ब्लॉग में ही डाल लेते हैं। ये देखो है, इस तरीके से डालो ना तो भी अच्छा लगता है ना, इसे कई सारी डिजाइन होती है साड़ी में डालने की। लेकिन अभी तो हमें घर में काम करना है, तो अभी मैं इसको जो है पिन लगा लूंगी,
बालों को बांध लूंगी। फ्रेंड्स मेरा ना कुछ ही महीने पहले वेट था 70 kg और अभी मेरा वेट है 65 kg। तो ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, और मैंने तो फ्रेंड्स योगा भी कंटिन्यू नहीं किया था। हाँ सिर्फ ये था कि मैं अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, बहुत ज़्यादा 32 वाला फार्मूला है उसको, उसके तहत ही सब चीज़ें मैं करती थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स साड़ी को कर लिया है मैंने सेट, क्योंकि काम करना है मुझे अभी। बालों को भी मैंने बांध लिया है, थोड़ी पिक्स वगैरह जो रील्स वगैरह बनानी थी वो सब मैंने बना ली हैं, क्योंकि उसके बाद मैं काम में लगूंगी ना तो फिर मुझे रेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा घर फैला हुआ था वो मैं सेट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए योगा को ना जिंदगी अपनी आदत ज़रूर बनाना चाहिए, एक्सरसाइज डेली लाइफ में हमें ज़रूर करनी चाहिए फ्रेंड्स। जितने इसके बेनिफिट्स हैं ना सबको पता है, बस ये कि आदत नहीं बना पाते हैं इसको। मुझे भी बनाने में टाइम लग रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको डेली हैबिट में लेके आऊँ, और अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे मैं कम टाइम दूँ लेकिन मैं करूँगी ज़रूर। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना रही थी आलू के परांठे, क्योंकि देखिए जो बच्चे मांगते हैं वही मैं वही बनाऊँगी, बट अपने लिए एक आलू की रोटी बनाऊँगी और एक परांठा बनाऊँगी। सब्जी रखी हुई थी बट बिल्कुल भी सब्जी खाने का मन नहीं था। सुबह मैंने जो है चाय के बाद फ्रूट्स खा लिए थे तो इतनी भूख भी नहीं लगती है। तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम एक्सरसाइज करने की कि हम करें कहाँ। तो गाइस देखिए जहाँ पे भी आपको घर में जगह मिले, आपकी गैलरी में, आपके कोनों में, आपके बेड पे, आपके छत पे, जहाँ पे भी जगह मिले आप एक्सरसाइज करें। क्योंकि देखिए मेरे ना एक टीवी पर जो मेरा ड्राइंग रूम है उसमें थोड़ी सी जगह मेरे को एक्सरसाइज की मिलती है तो वहाँ कर लेती हूँ, और आगे की एक्सरसाइज जो है मैं अपने कमरे में करूँगी बेड पे, क्योंकि अब बाकी इतनी जगह है नहीं। तो देखिए मैंने एक परांठा बनाया था, एक मैंने आलू का एक पराठा बनाया था, एक रोटी बनाई थी आलू की। टाइम हो रहा है 3:30 और अब है चाय का टाइम। चाय का टाइम तो वैसे 5 बजे होता है। अब हस्बैंड जी कल आ जाएंगे ना, तो कल हमारे यहाँ 5 बजे चाय बनेगी। तो मेरा ना फ्रेंड्स सुबह बिल्कुल सब्जी खाने का मन नहीं था, तो सिर्फ मैंने ना एक आलू की रोटी, एक पराठा और करौंदे के अचार से खाए, और थोड़ी सी मैंने बाद में चाय बना ली थी। तो बस इसमें ये है कि चबा चबा के खाओ, आराम से खाओ, तसल्ली से खाओ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हैबिट में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो थोड़ा ये तो हैबिट में मेरा आ ही गया है। और यहाँ पे मैं लवी के रूम में आई थी ना, मेरा चश्मा गिर गया लेकिन टूटने से बच गया। आज से गर्मी स्टार्ट हो गई, कल बारिश थी ना तो अब तो गर्मी हो गई आगे आगे। मैं तो किचन में चींटियों से परेशान, चींटियां आ गई है, वो जा रही लाइन बना के, पूरी लाइन बना के जा रही है। चलिए फ्रेंड्स फिर तो फ्रेंड चाय तो मैंने चढ़ा दी थी और मैं आ गई थी फ़ोन का काम करने के लिए, क्योंकि मुझे एडिटिंग में लगने वाला है टाइम। और फ्रेंड्स फिर मैं ना अपना वीडियो का काम करके अपलोड करने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, संध्या पूजा करने के लिए। फ्रेंड्स सुबह शाम घर में दिया जलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारी गाइस दिया बाती सब हो गई है और टाइम हो रहा है, टाइम 7:30 हो रहे हैं, और आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई वीडियो अपलोड करने में। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो जो है 6:30 तक चली जाए, और उसके बाद जो है मैं अपना पूजा पाठ सब करती हूँ। तो आज लेट हो गई मैं, अब चलती हूँ किचन में। किचन मेरी दोपहर से ऐसी पड़ी हुई है। हमारी ट्यूबलाइट तो फ्रेंड्स आंख ही मारने लग रही है, बताओ। इस रूम में उजाला मेरा ना कम हो गया है, ये ट्यूबलाइट खराब हो गई है, इस बल्ब की इतनी रोशनी है नहीं। तो अभी हस्बैंड जी आएंगे तो इसको चेंज करवाऊंगी, क्योंकि इस कमरे में फोन का काम होता है ना। टाइम अब 7:30 हो गए हैं, अब सोच रही हूँ साड़ी वगैरह चेंज कर लेती हूँ। लवी खाने की क्या क्या खाओगी? तो फ्रेंड्स मैं पूछ रही थी लवी से कि खाना क्या खाएगी, उसकी तरफ से तो कोई जवाब आता नहीं है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे ही करते हैं ना कि ना बनाना पड़े और हमारा मैगी से सैंडविच से काम चल जाए। लेकिन मैं फ्रेंड्स खाना बनाऊंगी जाके, बट यहाँ पे मुझे करनी है आप लोगों से कुछ बातें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस आप बातें करते रहें, और क्योंकि हमें पता है कि आप वहाँ से सुन रहे हो तो मन भी करता है बहुत सारी बातें करने का। अपने ना बाहरी रूप रंग के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमें पतला होना हो तो हम सुबह 4 बजे भी उठ जाते हैं। हमें मतलब अपने बाहरी रूप रंग को निखारने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। मैं और जब आप अच्छी विचारधारा के साथ में जीते हो, अच्छे लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हो, तो आपकी विचारधारा चेंज होना मतलब एक आम बात है कि उन चीजों का कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ सोच अच्छी रखिए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट रखिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए गाइस। डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा उनको इग्नोर करना सीख जाइए, क्योंकि अगर आप उनसे कांटेक्ट रखेंगे तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। अपने आप में बिजी रहना सीखिए, अपनी कोई हॉबी को साथ लेके चलना सीखिए गाइस। मैं बोलना शुरू करती हूँ ना तो बहुत बोल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। हम देखिए फ्रेंड्स डेली लाइफ के काम करते हुए अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए हम दे सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करके अगर हम फिट रह सकते हैं तो क्यों ना रहें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नए ब्लॉग में, बाय।